आज अमृत महोत्सव पर मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम होंगे शामिल। काले लिबास में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राम मंदिर के विरोध के लिए कांग्रेस ने काले कपड़े का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी का हमला, कहा अयोध्या दिवस के दिन कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय, देश से माफी मांगी कांग्रेस। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर यूपी का एक और कदम, डेलॉयट इंडिया के साथ सीएम योगी ने साइन किया एमओयू, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 10 अगस्त से 12 अगस्त तक महिलाओं बहनों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसें फ्री रहेंगी। गोंडा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी का शव मिला, घर वालों ने हॉरर किलिंग का लगाया आरोप, लड़की के 5 परिजनों पर नामजद FIR। संबल में युवक की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा, 75,000 की सुपारी देकर पड़ोसी ने ही कराई थी हत्या, दुकान ज्यादा चलने की वजह से पड़ोसी की जान ली। बागपत में गैंगस्टर अमित त्यागी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। मिर्जापुर कोर्ट में रंगदारी मामले में बाहुबली विजय मिश्रा के पेशे की 47 मिलने को बताया साजिश, कहा मुझे और मेरी बेटी को आतंकवादी घोषित करना चाहती है सरकार। पीलीभीत में कंचा खेलने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया, मारपीट में कई लोग घायल। शामली में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग की, एक महिला को गोली लगी। उत्तराखंड के आम की पहली खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए रवाना, सीएम धामी ने शहद और राजमा की खेप को भी हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा में धांधली के बाद UK SSSC के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया, बोले मेरे मोरल कैरेक्टर पर कोई नहीं उठा सकता सवाल। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना पुलिस ने नाइजीरिया ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से करोड़ों की 300 ग्राम हेरोइन बरामद। तिरंगा अभियान पर सीएम केजरीवाल की अपील, 14 अगस्त को शाम 5 बजे झंडे के साथ राष्ट्रगान गाए। श्रीनगर के केंद्रीय विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता अभियान, ITBP ने स्कूल को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 की न्यायिक हिरासत, ED की स्पेशल कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समान, आज पूछताछ के लिए ईडी ने फिर बुलाया, ईडी को वर्षा राउत के अकाउंट में 1.8 करोड़ रुपए की नई एंट्री मिली। दो बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, शिया मस्जिद के पास हुए धमाके में 8 की मौत। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में बढ़ा तनातनी, चीन की चेतावनी, कहा बड़ा संकट पैदा करने से बचना है तो जल्दबाजी न करे अमेरिका।